इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में 100 डे स्वाइप करने की। लेकिन हर दिन हम किसी भी मॉब में रैंडमली शेप शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब डे 2 पर हम काउ बन सकते हैं, डे 30 पर इवोकर और मे बी डे 80 पर एक विदर। इन 100 डेज में हमारे कुछ टारगेट्स होने वाले हैं। पहला, एंटी ड्रैगन और विदर को मारना। दूसरा, एक सुंदर सा घर बनाना। और तीसरा, वुडलैंड मेंशन लूटना। इस वीडियो को बनाते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लगा, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी कर देना। लेट्स एम फॉर 70,000 लाइक्स एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम की शुरुआत होती है हम थे एक्सोलोटल, जिसके पास ना ही कोई पावर है और ना ही ज्यादा हेल्थ, मतलब ये ज्यादा काम का नहीं है। थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक विलेज मिली, जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत हे बेल मिली और उसके साथ वहाँ पर थोड़ी वेट भी लगी हुई थी, तो हमारे खाने का जुगाड़ काफी जल्दी हो गया। और फिर हमें गोलम भाई मिले, जो कि काफी सैड दिख रहे थे। आई थिंक वो रियल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा। तो गोलम भाई की हेल्प के लिए हमने उन्हें बताया हैपन के बारे में। हैपन बिलीव्स दैट इट्स बेटर टू मीट पीपल जो कि तुम्हारी लाइफ के अराउंड है, जिनसे तुम पास क्रॉस कर चुके हो, रेदर देन मीटिंग रैंडम पीपल ऑनलाइन। हैपन बिलीव्स इन डेस्टिनी, इट्स बेस्ड ऑन जियो लोकेशन एंड हैज अ मैप फीचर, जिसके थ्रू तुम उन लोगों से मिल सकते हो जिनसे तुम पास क्रॉस कर चुके हो। एंड डोंट वरी, हैपन कभी भी तुम्हारी लोकेशन रिवील नहीं करता। इमेजिन तुमने किसी रेस्टोरेंट या कैफे में किसी के साथ पाथ क्रॉस किया जो कि तुम्हें बहुत ही इंप्रेसिव लगा हो, बट लेट्स बी रियल, तुम्हारी उस पर्सन को दोबारा देखने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। बट विद हैपन यू हैव अ सेकंड चांस एट दैट मिस कनेक्शन। और पूरे डेटिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हैपन में एक इंटरेस्टिंग गेम भी है, जिसका नाम है क्रश टाइम। इसमें तुम्हें 4 प्रोफाइल दिखाई जाएगी और तुम्हें गैस करना है कि किसने तुम्हें लाइक किया है, और अगर तुमने सही गैस किया देन इट्स अ क्रश। यू नो गोलम भाई, हैपन डेटिंग के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। वैसे तो हैपन बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि किसने तुम्हें लाइक किया, तो तुम हैपन प्रीमियम खरीद सकते हो, विच इज 599 फॉर 3 मंथ्स, मतलब एक महीने के लिए सिर्फ 199। तो जाओ जाकर जल्दी से हैपन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे एक बेड भी चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गरीब गांव था, क्योंकि उसके अंदर मुझे बेड ही नहीं मिला, तो बेड बनाने के लिए मुझे बकरियों का बलिदान देना पड़ा। इसके अलावा आयरन गोलम भाई पहले ही बहुत दुखी थे, तो मैंने उन्हें उनके दुखों से आजाद कर दिया। उसके बाद मैंने बकेट के लिए आयरन इकट्ठा किया, क्योंकि हम काफी सारे ओशन वाले माउस बनने वाले थे, तो जमीन पर जिंदा रहने के लिए हमें पानी चाहिए था। डे 2 पर हम बने थे एक चमगादड़, जिसका मतलब था कि हम हवा में उड़ सकते थे। सबसे पहले मैंने एक बकेट बनाई और उसके बाद हम एरिया एक्सप्लोर करने लगे। नजदीक एक और विलेज था, तो वहां से भी मैंने हे बेल इकट्ठा कर दी। चमगादड़ भाई केव में रहते हैं और उसके साथ वहाँ पर बहुत सारे मॉब्स भी रहते हैं, लेकिन वो मॉब चमगादड़ भाई को मारते नहीं हैं। तो आयरन की खोज में मैं गया केव के अंदर, लेकिन हड्डी भाई ने मुझ पर हमला कर दिया। वैसे वहाँ पर और भी काफी सारी चमगादड़ थी, लेकिन शायद हड्डी भाई को पता चल गया कि मैं ही इंपोस्टर हूँ। थोड़ी देर बाद हमें मिली एक जंगल बायोम, और जंगल बायोम में घूमते हुए हमें मिला एक जंगल टेम्पल। वैसे तो उसके अंदर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं, लेकिन हम थे एक चमगादड़, तो हमने उसे काफी इजीली लूट लिया और मुझे वहाँ से 2 डायमंड भी मिल गए। उसी जगह पर मुझे एक रून पोर्टल मिला, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर कोई चेस्ट ही नहीं थी। डे 3 पर हम बने चमकीले स्क्विड, जिसके पास सिर्फ 5 हार्ट थे, और जमीन पर जिंदा रहने के लिए हमें पानी का यूज करना पड़ रहा था, मतलब वो मॉब बिल्कुल यूजलेस था। लेकिन ओशन में वो काफी तेज चल रहा था, तो मैंने थोड़ी देर तक ओशन एक्सप्लोर किया और मुझे एक रून पोर्टल मिला, जिसके अंदर मुझे एक पिकेस मिली। उसके बाद मैं पूरा दिन ओशन में घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो हमारे पास बाल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ लैंड के ऊपर ट्रैवल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो मैं गया ओशन के अंदर और मुझे वहाँ पर मिला एक संकन शिप। शिप लूटने के बाद मैंने फिर से काफी देर तक ट्रैवल किया, लेकिन फ्लेम पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया और मैं काफी दूर आ गया था। लेकिन उसके बाद भी हम ट्रैवल करते रहे और अगले दिन हम बने पिगी भाई। लेकिन सबसे पहले मैंने फ्लेम के आने का वेट किया, और इसी के साथ मैंने थोड़ा बहुत आयरन भी कलेक्ट किया हुआ था, तो एक फर्नेस बनाकर मैंने उसे स्मेल्ट किया और उसके बाद आयरन के टूल्स बनाए। और स्पार्क मुझसे काफी दूर था, तो मैं स्पार्क के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर गया। रास्ते में मुझे एक और रून पोर्टल मिला, जिसके अंदर से मुझे एक्स हो और चेस्ट प्लेट मिली। उसके बाद मैं फाइनली स्पार्क के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचा, और वहां पर जाकर मैंने अपने भाई बंधुओं का कत्ल कर दिया। और हम घर से पहले ही काफी दूर आ गए थे और दिन भी खत्म होने वाला था, तो हमने वहीं पर रहने का फैसला किया। और अगले दिन हम बने फिर से ग्लो स्क्विड, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल मॉब है कि दरवाजे के अंदर ही नहीं जा सकता। तो जिंदा रहने के लिए मुझे नदी में जाना पड़ा, और फिर मुझे स्पार्क दिखा, लेकिन पता नहीं क्यों पर वो अपने असली रूप में था। उसके बाद मैंने एक चेस्ट बनाकर उसमें सारा सामान रखा और फिर स्पार्क को काफी देर तक बुली किया। उसके बाद हमने गांव को थोड़ा बहुत चेक किया, और वहां पर एक विलेजर फॉर्चून 1 की बुक बेच रहा था, लेकिन हमारे पास एमरल्ड नहीं थे, तो हम उसे खरीद नहीं पाए। और उसके बाद हमने पूरा दिन सिर्फ AFK किया। डे 6 पर हम बने थे क्रीपर, और हमारे पास TNT वाली पावर भी थी, जिसका यूज करके हम किसी को भी उड़ा सकते थे। और क्योंकि क्रीपर एक बुरा आदमी है,
तो ज़ॉम्बी और बाकी हॉस्टाइल मॉब भी हमें मार नहीं रहे थे। और उसके बाद हमने गोलम भाई को अपनी शक्तियों का यूज करके उड़ा दिया और गोलम भाई की अस्थियों से मैंने एक पिकेक्स बनाई। उसके बाद मैंने काफी देर तक आयरन इकट्ठा किया। आयरन इकट्ठा करने के बाद मैं ऊपर आया, फिर मैंने अपने लिए एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाई और मेरा आयरन आर्मर पूरा कम्प्लीट हो गया। और उसके बाद शुरू हुआ हमारा अगला दिन और इस बार हम बने स्पाइडरमैन। इस मॉब से हम दीवारों के ऊपर क्लाइम कर सकते थे और उसके अलावा इसके पास कुछ ज्यादा खास पावर नहीं थे। लेकिन अब हमारा टारगेट था नेदर के अंदर जाना और हमारी विलेज के पास एक पोर्टल भी था, लेकिन हमारे पास डायमंड पिकैक्स नहीं थी जिसका मतलब था कि हम ऑब्सिडियन कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम पोर्टल के अंदर लगे हुए क्रैंक ऑब्सिडियन को तोड़ सकते थे, तो हमने पोर्टल में लगे हुए क्रैंक ऑब्सिडियन को तोड़ दिया और पोर्टल के साथ वाली चेस्ट में मिली हुई ऑब्सिडियन से उसे कंप्लीट किया। और फिर नेक्स्ट डे हम बने फिर से एक और मकड़ी, लेकिन अब टाइम था नेदर के अंदर जाने का। तो सारा सामान लेने के बाद हम गए नेदर के अंदर और हम स्पॉन हुए एक फोर्ट्रेस के अंदर। ये अभी तक का हमारे माइनक्राफ्ट करियर का सबसे लकीस्ट स्पॉन है, तो हमारा काफी ज्यादा टाइम बच गया। और नेदर की मॉब भी मकड़ी को नहीं मार रहे थे, तो हमने काफी इजीली पूरी फोर्ट्रेस को लूटा। और क्योंकि मकड़ी भी एक बुरा आदमी है, तो ब्लेज भी हम पर हमला नहीं कर रहे थे। एक चेस्ट के अंदर से मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिला और फिर मैंने ब्लेज पर हमला किया और उसने मेरी मकड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से जलाया, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। फिर मुझे मिला एक ओपन ब्लेज स्पॉनर, तो मैंने स्पार्क को भी वहीं पर बुला दिया, लेकिन गलती से मैं नीचे गिर गया और इसी के साथ मैं जिंदा बच गया। क्योंकि मकड़ी को फॉल डैमेज नहीं होता, लेकिन उसे फायर डैमेज जरूर होता है। ब्लेज को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन एटलीस्ट हमारे ऊपर और मॉब्स हमला नहीं कर रहे थे। तो ब्लेज को मारते हुए मेरी पहली बार डेथ हुई, लेकिन एक आधी बार तो सभी मरते हैं, तो ये पहली और लास्ट बार था। और फिर मैं आराम से वॉल पर चिल कर रहा था, लेकिन तभी मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और जी हाँ, एक और बार। फिर मुझे पता चला कि दुष्ट स्पार्क ओवरवर्ल्ड में जाकर सो गया था, जिसकी वजह से मैं एक ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन हमने एंडर एज लैक ब्लेज रॉड इकट्ठा करी दी, तो अब बारी थी एंड पर्ल इकट्ठा करने की। लेकिन उससे पहले हम वापस घर आए और फिर हमने अपना सारा जरूरी सामान एक चेस्ट के अंदर रखा, ताकि अगर हम मरे भी, जो कि वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस हम मर जाएं, तो हमारा सारा सामान नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम गए नेदर में एक नीले जंगल की तलाश पर। मुझे लगा था ज़ॉम्बीज़ को कोई भी मॉब नहीं मारते, लेकिन इन सुअर के बच्चों ने हमें पहचान लिया और हमें मारने के लिए इनका पूरा परिवार आ गया। लेकिन हमारे पास काफी सारे ब्लॉक पड़े हुए थे, तो हम पेड़ों के ऊपर जाकर बच गए। और इसके साथ ही मुझे एक स्ट्राइडर भी मिला, जिसके ऊपर पहले से एक सैडल लगा हुआ था। लगता है सारी रेयर चीजें हमारे साथ ही हो रही है। काफी ट्रैवल करने के बाद हमारे सामने एक लावा लेक आई, लेकिन उसे क्रॉस करने के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान था। मैंने काफी सारे ब्लॉक्स लगाए और फिर मैं स्पार्क को बोट का यूज करके सीधे लावा में ले गया। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी क्या वैसे तो काफी कमी रह गई। और इसी के साथ हमने अपनी सारी चीजें गवा दी, लेकिन लकीली हमने ब्लेज रॉड्स चेस्ट में ही रखी थी, तो लकीली हम दोबारा मजदूरी करने से बच गए। और फिर शुरू हुआ अगला दिन और इस बार हम बने एक गाय, जिसकी स्पेशल पावर थी दूध देना। हमारे सारा बेसिक सामान लावा के अंदर चला गया था, तो पूरे दिन मैंने सिर्फ सामान इकट्ठा किया। नेक्स्ट डे हम बने एक बिल्ली, जिसके पास कोई पावर नहीं है। फाइनली मैंने आयरन से टूल्स बनाए, लेकिन नेदर में जाना काफी ज्यादा रिस्की था और वहां जाकर वॉक फर्ज ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो हमने सोचा क्यों ना हम एंडराइज विलेजर से ही खरीदे। और एंडराइज बेचने वाला विलेजर, जो भी उसे कहते हैं, वो उस विलेज में पहले से ही था, तो स्पार्क ने दो विलेजर्स को फ्लेचर बनाया ताकि हम उनसे वुड के बदले एमरल्ड खरीद सके। नेक्स्ट डे हम बने एक सिल्वर फिश, जिसके पास ना ही हेल्थ है, ना ही पावर और ना ही हाइट। आसान शब्दों में ये एक बहुत ही घटिया मॉब है। लेकिन इसी के साथ हमने एक फ्लेचर बनाया और उसे बहुत सारी लकड़ियां बेची। काफी देर ट्रेड करने के बाद मैंने फाइनली क्लैरिक को लेवल अप किया, लेकिन मैं उसे सिर्फ जर्नी मैन तक ही पहुंचा पाया। डे 13 पर हम फिर से बने एक्सोलॉटल्स, तो हमने फिर से बहुत सारी लकड़ी काटी, उन्हें ट्रेड किया और फिर फाइनली क्लैरिक को लेवल अप किया। और लकीली वो एंडपल बेच रहा था, लेकिन एंडपल खरीदने के लिए हमारे पास एमरल्ड ही नहीं थे, जिसका मतलब था और ज्यादा मजदूरी। डे 14 पर हम फाइनली एक अच्छा मॉब बने, जो था कि वोकर, जिसके पास एक पावर भी थी, तो हमने अपनी शक्तियों का यूज फिर से गोलम भाई पर किया। लेकिन शायद इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली भी नहीं है, क्योंकि आयरन गोलम भाई ने मुझे टपका दिया था। तो हमने जल्दी से आइज ऑफ एंडर बनाई और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना शुरू कर दिया। और डे 15 पर हम ट्रांसफॉर्म हुए एक भालू में। अब हमें ट्रैवल करना था ओशन में, तो मैंने ट्रैवल करने के लिए बोट रखी, लेकिन दुष्ट स्पार्क मेरी बोट लेकर भाग गया, तो मुझे दोबारा पीछे जाकर वुड इकट्ठा करनी पड़ी। और भालू भाई कुछ ज्यादा ही मोटे थे, तो बोट पर सिर्फ एक ही भालू आ सकता था। और फाइनली हमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी गई, लेकिन अंदर जाती हमारे ऊपर हजारों मॉब्स ने हमला कर दिया। शुरुआत की मॉब से तो हम बच गए, लेकिन फिर मुझ पर बहुत सारी सिल्वर फिश ने हमला कर दिया और उसके बाद वहां पर एक क्रीपर भी आ गया, जिससे कि मैं नहीं बच पाया। और खुशी की बात तो ये थी कि मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट भी हटा दिया था, तो मैं स्पॉन हुआ फिर से अपनी पुरानी स्पॉन लोकेशन पर, जो कि हमारी विलेज से हजारों ब्लॉक दूर थी।
लेकिन क्योंकि मैं एक महान आदमी हूँ तो मैंने उस नूब का सामान इकट्ठा कर दिया ताकि वो डिस्पॉन ना हो। नेक्स्ट मैं बना था एक शल्कर। सबसे पहले मैंने एक चेस्ट बनाई और उसमें स्पार्क का सारा सामान रख दिया। उसके बाद मैं पूरे दिन स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूमता रहा लेकिन मुझे पोर्टल रूम मिला ही नहीं। शल्कर के पास भी काफी सारी पावर्स थी, जैसे कि ये भी दरवाजे में फिट नहीं होता और बोट चलाते हुए इसकी सांस फूल जाती है, जिसका मतलब था कि इस घटिया मॉब के साथ ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। डे 17 पर हम बने थे एक विंडिकेटर और एक चेस्ट में मुझे 3 डायमंड्स मिले और लकीली मुझे पोर्टल फ्रेम मिल ही गया, तो मैंने फाइनली उसे एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि 2 आइज कम पड़ गई। तो इसी खुशी में मैंने डांस किया। नीचे की तरफ कुछ अंडरमैन थे लेकिन उन्हें मारकर मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद मैं लोकेशन पर तो पहुंच गया था लेकिन मुझे आसपास सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स को चेक किया और मुझे पता चला कि मैं उल्टी डायरेक्शन पर आ गया हूँ, जिसका मतलब था कि अब मैं अपने घर से 2000 नहीं बल्कि 4000 ब्लॉक दूर हूँ। और इस आदमी को मैं सह नहीं पाया और पानी में जाकर डूब गया, लेकिन दोबारा स्पॉन पॉइंट पर आने के बाद अब मैं फिर से 2000 ब्लॉक दूर था। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली अपने विलेज में पहुंच गया और लकीली एक चेस्ट से मुझे पहले वाला सामान भी मिल गया। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक बी में। एंड पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास 2 अंडर आइज कम पड़ रही थी, तो मैंने काफी देर तक लकड़ी काटी, उन्हें ट्रेड किया और फिर 2 अंडर पल खरीदी। और क्योंकि अब मैं एक बी था तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तक काफी इजीली पहुंच गया। डे 3 पर हम ट्रांसफॉर्म हुए थे एक बी में, जिसकी हेल्प से हम उड़ सकते थे, तो क्रीपर ने मुझे उड़ा दिया लेकिन मैंने रिस्पॉन पॉइंट लगा रखा था क्योंकि मैं स्पार्क की तरह नूब नहीं हूं। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली स्पार्क वहां पर आ गया, तुमने जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट किया और एंडर ड्रैगन को हमेशा की तरह बहुत ही बुरे तरीके से पेला। और उसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट किए सिटी ढूंढने लगे और एंड फाउंटेन के सिर्फ 100 ब्लॉक्स दूरी मुझे एक सिटी मिल भी गई, तो मैं सबसे पहले इलाइट्रा के लिए शिप में गया। थोड़ी देर सर्च करने के बाद मुझे एक सिटी मिल भी गई लेकिन वहाँ पर फ्लेम पहले ही पहुंच गया था। मैंने जल्दी जल्दी से उसका इलाइट्रा और सारी चेस्ट को लूटा और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने काफी देर तक एक और सिटी को ढूंढा। शिप के अंदर जाकर मैंने वहां से सारा सामान लूटा लेकिन गलती से मैं सिटी के अंदर चला गया और फिर सभी शल्कर ने मिलकर मेरा वॉलीबॉल बना दिया और उसके थोड़ी देर बाद मैं मर गया और फ्लेम का चुराया हुआ सामान भी वहीं पर रह गया। और अगर इतना दुख काफी नहीं था तो अब मैं उस सिटी में दोबारा जा भी नहीं सकता था क्योंकि अब मैं था एक स्ट्राइडर। ना ही मेरे पास टूल थे और ना ही खाने के लिए खाना, तो अब मैं कैदी बनकर रह चुका था। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सिल्वर फिश स्पॉन हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, और उसके बाद वहाँ पर उनका पूरा परिवार ही आ गया और उन्होंने मुझे मिलकर बहुत ज्यादा मारा। बंद करो। उसके बाद मैंने काफी देर तक सिटी लूटी और वहाँ से मुझे काफी अच्छी लूट मिली, लेकिन तभी दिन खत्म हो गया और हम ट्रांसफॉर्म हुए इस दुखी आत्मा में। और इसी बीच एक और बार स्पार्क भाई मारे गए और उस नूब के पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उसकी हेल्प के लिए मुझे वापस जाना पड़ा और सिल्वर फिश ने मुझे भी ऑलमोस्ट चिपका ही दिया था, लेकिन मेरे पास काफी अच्छी सोर्ड थी तो लकीली मैं जिंदा बच गया। उसके बाद मैंने गरीब को थोड़ा बहुत सामान दिया और डे 20 पर हम बने स्केलेटन हॉर्स और लकीली मैंने स्पार्क का सामान एक चेस्ट में डाल दिया था तो एटलीस्ट उसके पास कुछ बच गया था। वैसे तो अभी भी हमें लूट चाहिए थी लेकिन स्केलेटन हॉर्स के साथ एंड में जाना काफी ज्यादा रिस्की था, तो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आ गए। नजदीक ही हमें एक विलेज मिला तो डे 20 की रात हमने वहीं पर गुजारी। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म एक ज़ॉम्बी विलेजर में और पूरे दिन हमने लकड़ी काटी, आयरन गोलम को मारा और पता नहीं क्या किया, लेकिन नेक्स्ट डे हम फिर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं ग्लो स्क्विड में, तो पूरा दिन मैंने सिर्फ वुड काटी। और डे 23 पर हम बने फिर से स्क्विड, लेकिन इस बार नॉर्मल वाला। और उस दिन मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की, लेकिन विदेश का इकट्ठा करने के लिए हमें चाहिए थी लूटिंग 3 और उसे खरीदने के लिए हमें लगने वाला था बहुत सारा एमराल्ड, तो अब बारी थी जी हाँ बहुत सारी मजदूरी की। और हमें पता चला कि विलेजर स्केलेटन हॉर्स को सामान नहीं बेचते, रेसिस्ट साले। पूरा दिन मैंने सिर्फ बूढ़ी इकट्ठा की। डे 25 पर हम फिर से ज़ॉम्बी विलेजर बने और पूरा दिन मैंने सिर्फ बूढ़ी इकट्ठा की। डे 26 पर हम गार्डियन बने और पूरा दिन मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की। डे 27 पर हम बने सिल्वर फिश और अब हमारे पास लूटिंग खरीदने के लिए काफी सारे एमराल्ड हो गए थे, तो मैं गया डेजर्ट वाले विलेज में जहाँ पर मैंने एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया और लूटिंग के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था तो मैंने उसे कैद किया। दूसरी ट्राई में मुझे लूटिंग मिल भी गई तो मैंने उससे लूटिंग की 4 बुक खरीदी। डे 28 पर हम ट्रांसफॉर्म हुए एक चिकन में, तो मैंने पूरे दिन सिर्फ माइनिंग की और काफी सारा आयरन इकट्ठा किया। और हमें एनविल के लिए काफी सारा आयरन चाहिए था तो पूरे दिन मैंने आयरन इकट्ठा किया और नेक्स्ट डे गैस बनकर मर गया। और क्योंकि मैंने अपना बेड भी उड़ा दिया तो मैं वापस से स्पॉन हुआ स्पॉन पॉइंट पर। तो काफी देर ट्रैवल करने के बाद मैं वापस से विलेज में आया और लकीली स्पार्क ने मेरा सामान एक चेस्ट में डाल दिया था तो मेरा सारा सामान डिस्पॉन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लूटिंग 2 की बुक से लूटिंग 3 बनाई और तभी मुझे याद आया मेरे पास थोड़े से डायमंड भी थे जो कि दूसरे विलेज में रखे हुए थे, तो दूसरे विलेज में जाकर मैंने एक डायमंड स्वॉर्ड बनाई और फिर उस स्वॉर्ड पर लूटिंग 3 ऐड की। मरने के बाद फ्लेम के पास लेवल ही नहीं बचे थे तो उस मूर्ख ने अपनी स्वॉर्ड और बुक्स मुझे दी। बुक्स तो मैंने कंबाइन कर दी लेकिन स्वॉर्ड के ऊपर उसे लगाने के लिए मेरे पास लेवल ही नहीं बचे, तो अब बारी थी मॉब्स की हेल्प लेने की। लेकिन हेल्प लेते लेते
थे, मैंने गलती से खुद को ही उड़ा दिया और फिर मुझे पता चला कि मेरी लूटिंग की स्वॉर्ड कहीं गुम हो गई। अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए गधे में, फ्लेम में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब मैं भी एक गधा बन गया। फिर मैं गया रेगिस्तान वाली विलेज में, वहाँ जाकर मैंने फिर से लूटिंग की बुक खरीदी और एक डायमंड स्वॉर्ड बनाई, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी लेवल नहीं बचे थे तो मैं उन्हें ना ही कंबाइन कर सकता था और ना ही उन्हें अपनी स्वॉर्ड पर लगा सकता था। तो बचे हुए दिन मैंने बहुत सारे जानवर मारे और फिर नेक्स्ट डे हम फाइनली एक बी बने, तो हम जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए और एंड में जाकर सिटी ढूंढने लगे। और लकीली मुझे एक सिटी मिल भी गई, लेकिन वो पुरानी सिटी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और सिटी मिल गई, तो मैंने जल्दी से शिप में जाकर एक लाइटर लिया और एक चेस्ट से मुझे काफी ओपी डायमंड स्वॉर्ड भी मिली। उस सिटी की मैंने हर एक जगह देख ली, लेकिन मुझे वहां पर एक भी चेस्ट नहीं मिली। काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे एक सिटी मिली, लेकिन इस बार मैंने पहले जैसी बेवकूफी नहीं की, इस बार मैंने उसे बाहर से ही लूटा और अब मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया था। रास्ते में आते हुए मुझे एक और सिटी मिली, लेकिन वो सिटी पहले से लूटी हुई थी। उसके बाद मुझे एक और सिटी मिली जो कि कुछ ज्यादा ही छोटी थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चेस्ट रखी हुई थी, तो मैंने उसे भी लूट लिया। लेकिन मेरे पास काफी सारा सामान था, तो शेल्कर बॉक्स के लिए मैंने शेल्कर मारे और फिर एंड से बाहर आ गया, लेकिन मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं किया था तो मैं फिर से स्पॉन पॉइंट पर स्पॉन हुआ। तो पूरी रात ट्रैवल करके मैं वापस से घर आया। अब मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा सामान था, लेकिन दिन भी खत्म होने वाला था, तो मैं जमीन के काफी नजदीक उड़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद मैं ट्रांसफॉर्म हुआ एक स्पाइडर में और फिर थोड़ी आगे ही मुझे रिटर्न पोर्टल भी मिल गया, तो मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने अपने डायमंड आर्मर को पूरा किया, फिर मैंने अपने शल्कर बॉक्स को डाई किया और एक शल्कर बॉक्स के अंदर कीमती सामान रख दिया और फिर हम ट्रांसफॉर्म हुए एक ब्लेज में, फाइनली एक अच्छा मॉब। सबसे पहले मैंने विलेजर से एक बो खरीदी और अब मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, तो मैं दूसरे विलेज में गया और फाइनली स्वॉर्ड पर लूटिंग ऐड की। लेकिन सबसे पहले मैंने एक चेस्ट बनाई और उसमें अपना सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया, लेकिन लूटिंग के लिए मेरे पास अभी भी लेवल नहीं थे, तो मैं गया नेदर में और वहां पर जाकर मैंने बहुत सारे मॉब्स मारे। रात के टाइम में वापस आया और फिर मैंने थोड़े और मॉब मारे और फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड पर फाइनली लूटिंग ऐड की। लेकिन सोने की जगह हम फिर से नेदर में गए, क्योंकि ब्लेस विद स्केलेटन को मारना काफी इजीली हो जाएगा। और उसके बाद हमने फाइनली फोर्ट्रेस में जाकर विद स्केलेटन इकट्ठा करना शुरू किया। पूरा दिन मैंने काफी सारे विद स्केलेटन मारे, लेकिन मुझे एक भी स्कल नहीं मिला और दिन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ गया। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए पिगलिन ब्रूट में और वो भी काफी अच्छा मॉब था, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा हेल्थ थी। खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने विलेजर से काफी सारी ब्रेड खरीदी। तो फिर से नेदर में जाकर हमने अपना मिशन शुरू किया और जल्दी ही मुझे एक स्कल मिल भी गया, लेकिन पूरा दिन विद स्केलेटन मारने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए फिर से एक ब्लेज में, शायद भगवान हमारे साथ ही है, और फाइनली मुझे एक स्कल मिल भी गया। स्पार्क के पास पहले से एक स्कल था, तो अब हमें चाहिए था सिर्फ एक और स्कल, लेकिन इसके बाद हम पता नहीं उड़ने वाला मॉब कब बनते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बेस्टियन भी ढूंढ लूं, ताकि हम बाद में किसी भी मॉब के साथ वहां पर इजीली जा सके। तो मैंने बेस्टियन ढूंढना शुरू किया और 500-600 ब्लॉक्स दूर ही मुझे एक बेस्टियन मिल भी गई, तो मैंने उसकी कोऑर्डिनेट्स नोट किए और वापस से फोर्ट्रेस में आकर स्केलेटन्स मारना कंटिन्यू किया। एक और दिन विद स्केलेटन मारने के बाद हमारे पास फाइनली 3 स्कल हो ही गए, लेकिन फ्लेम को नजदीक ही एक बेस्टियन भी मिली थी और अभी सुबह होने में थोड़ा बहुत टाइम भी बचा हुआ था, तो हम गए बेस्टियन की तरफ और वहां पर मैंने बहुत सारा गोल्ड लूटा। इसी के साथ कुछ चेस्ट से हमें थोड़ा बहुत सामान भी मिल गया और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था, मतलब दिन खत्म हो गया और हम बने थे हम, मतलब नॉर्मल प्लेयर। तो जब तक हम किसी और मॉब में ट्रांसफॉर्म ना हो जाते, तब तक हम बेस्टियन के अंदर जा भी नहीं सकते थे। और इसी बीच नूब स्पार्क ने किसी पिगमैन को हिट कर दिया और वो सारे मॉब्स उसके दुश्मन बन गए, तो मैंने उसकी हेल्प नहीं की क्योंकि मैं पहले इस नूब की बहुत हेल्प कर चुका हूँ। चीटिंग करता है तू। लकीली मेरे पास इलाइट्रा था, तो मैंने काफी सारे ब्लॉक से टावर बनाया और वापस घर की तरफ चला गया। उसके बाद मैं काफी देर तक ट्रैवल करता रहा, लेकिन मैं घर पहुंच ही नहीं रहा था और फिर मुझे पता चला कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं देखे। आगे स्वाद। नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ एक मच्छर में और उसकी हेल्प से हम उड़ सकते थे, तो फाइनली मैं आराम से घर आ सकता था। रास्ते में मुझे एक और बेस्टियन मिली जो कि हमारी पिछली वाली बेस्टियन से अलग थी, तो मैं बेस्टियन के अंदर गया। वहां पर मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर एक नेदरराइट इंगट था और लकली सुअर मच्छर पर अटैक नहीं करते, तो मैंने उन लालची सुअरों का सारा सोना चुरा लिया और उसके बाद फाइनली घर आ गया। घर आकर मैंने सारा सामान चेस्ट में डाल दिया और फिर अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए पिगलिन ब्रूट में और फाइनली टाइम था विदर को स्पॉन करने का, तो हम गए नेदर रूफ पर और हम उसे हमेशा की तरह बेडरॉक में ट्रैप करके मारने वाले थे और हमने उसे हाफ हेल्थ तक इजीली पहुंचा दिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ और वो वहां से बाहर आ गया। और उसके बाद और अब विदर नीचे की तरफ जा चुका था और हम नहीं चाहते थे कि विदर वहां से बाहर जाए, क्योंकि उसके बाद उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, तो मैंने काफी बहादुरी दिखाई और फाइनली विदर को मारने की जगह खुद मर गया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से ट्राई की और फिर से मर गया, लेकिन थर्ड चांस लकी चांस होता है, तो मैंने फिर से ट्राई की, लेकिन फिर मैं जंगली सुअर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके बाद हमने पूरा दिन ट्राई की, लेकिन विदर भाई ने हमें बहुत ही बुरे तरीके से पेला।
और हमारा सारा सामान डिस्पॉन हो गया। एंड से लाया हुआ सामान मैंने चेस्ट में रखा हुआ था, तो मैंने वहां से थोड़ा बहुत सामान लिया, लेकिन सुअर से विदर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, तो हमने किसी ढंग के मॉब में ट्रांसफॉर्म होने का वेट किया। और अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए फिर से पिगी भैया में, तो हमने फिर से एक और बार एफके किया, और अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए एल्डर गार्डियन में, जो कि नेदर पोर्टल में फिट ही नहीं आ सकता था। फिर मैं वापस घर आ रहा था, लेकिन पोर्टल के पास पहुंचकर ही मैं गार्डियन बन गया, और मेरे पास जो बचा कुचा सामान था वो भी नेदर में ही रह गया, और वो गार्डियन पोर्टल में जा भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे तैसे ट्राई करने के बाद मैं फोर्ट्रेस में पहुंच ही गया, और क्योंकि अब हम एक गार्डियन थे तो अब हम नेदर में जा भी नहीं सकते थे, जिसका मतलब था कि विदर भाई अब नेदर में आजाद रहेंगे, और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो उसके बाद हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि अभी तक हमारा सारा सामान डिस्पॉन हो भी गया होगा। लेकिन फिर हमने दूसरा आइडिया सोचा, अब हम लूटने वाले थे ओशन मॉन्यूमेंट को, क्योंकि एल्डर गार्डियन की वजह से हम उसे काफी इजीली लूट पाएंगे, लेकिन उस गार्डियन की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम मॉन्यूमेंट तक पहुंच पाएंगे। तो मैं वापस से विलेज में आकर सो गया, और नेक्स्ट डे विद स्केलेटन बनकर मर गया। लकीली इस बार मेरा बेड नहीं टूटा, अब तो किस्मत भी हमारे साथ नहीं है। और आर्मर पहनने के बाद स्केलेटन भाई काफी ज्यादा फनी लग रहे थे, आई थिंक विद स्केलेटन भाई लेग डे स्किप करते हैं, लेकिन क्योंकि हम विद स्केलेटन थे तो एक तरीके से हम विदर के रिश्तेदार हुए। अच्छा, जिसका मतलब था कि विदर के इफेक्ट हमें डैमेज नहीं होगा। तो हम फाइनली गए नेदर के अंदर, अंदर जाकर विदर का हेल्थ बार तो आ रहा था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उसे काफी देर तक ढूंढा भी, लेकिन वो हमें फिर भी नहीं मिला, और काफी ज्यादा टाइम भी हो गया था। तो हम घर वापस आ गए, नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए क्रीपर में, और हमारा सारा सामान डिस्पॉन हो गया था, तो पूरे दिन हमने सामान इकट्ठा किया। अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए डॉल्फिन में, और वो भी दरवाजे के बाहर नहीं आ पा रही थी, पता नहीं कैसे जादुई मॉब है। लेकिन अब हम एक डॉल्फिन थे, जिसका मतलब था कि हम पानी में काफी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम गए ओशन मॉन्यूमेंट की तलाश पर। काफी देर ट्रैवल करने के बाद मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिला, लेकिन उसके नजदीक जाकर सभी गार्डियन मुझे मारने लगे, और डॉल्फिन के पास पहले ही हेल्थ नहीं होती, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। और रात होने पर हम सोने लगे, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम बेड लाना भूल चुके हैं, तो हमें पूरी रात पानी में ही गुजारनी पड़ी। नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुए एक ज़ॉम्बी में, रात के टाइम मुझे फाइनली शीप्स मिल गई, जिससे कि मैंने फाइनली एक बेड बनाया। नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुए एक मैग्मा क्यूब में, और ये अभी तक के सभी मॉब्स में सबसे ज्यादा यूजलेस था, क्योंकि इसके पास सिर्फ हाफ हार्ट था, और ये बोट भी बहुत ही अजीब तरीके से चला रहा था, आई थिंक ये बोट को सबमरीन समझ रहा था। तो सांस लेने के लिए मुझे हर थोड़ी देर बाद ऊपर आना पड़ रहा था। विलेज में रहते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक हमारे पास एक घर भी नहीं था, तो हमने डिसाइड किया घर बनाने का, और मैंने पूरे दिन एक्सप्लोर करके घर बनाने के लिए एक जगह ढूंढी, जो कि विलेज के काफी क्लोज थी। तो मैंने एक चेस्ट बनाकर अपना सारा सामान उसके अंदर रख दिया, और फिर नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक स्केलेटन हॉर्स में, तो पूरे दिन मैंने घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा की। नेक्स्ट डे हम फिर से ट्रांसफॉर्म हुए एक पोलर बियर में, मेरे पास बिल्कुल भी आयरन नहीं बचा था, तो मैंने बेस्टियन से लाए हुए गोल्ड से काफी सारी एक्स बनाई। बचे हुए दिन हमने फिर से लकड़ी इकट्ठा की। अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए ड्रोनर में, और पूरा दिन हमने घर के लिए सामान इकट्ठा किया, और फिर हम ट्रांसफॉर्म हुए फिर से स्पार्क में, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग, एक छप्पड़ मार दूं। और अगले काफी दिनों तक हमने सिर्फ घर पर ही काम किया। तो जब तक घर बिल्ड हो रहा है, उतनी देर में तुम जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, और अगर तुम में से कोई ट्विटर यूज करता है तो ट्विटर पर भी फॉलो कर दो। और इसी बीच हम ट्रांसफॉर्म हुए विदर में, तो अब टाइम था रिवेंज का। हम बिना टाइम वेस्ट किए नेदर पोर्टल के पास गए, लेकिन विदर का साइज थोड़ा बड़ा था, तो वो पोर्टल के थ्रू जा नहीं रहे थे, तो हमने पोर्टल की हाइट थोड़ी इंक्रीज की, और फाइनली नेदर में गए। तो हमने विदर भाई को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो मुझे मिल ही गया, उसे हम ओपन में नहीं मार सकते थे, नहीं तो वो हमें मार देता। तो हम उसे लोड करके फिर से बेडरॉक के ऊपर ले जाने वाले थे। काफी देर तक हम कोशिश करते रहे, काफी स्ट्रगल के बाद हमने उसकी हेल्थ आधी की और मर गए। विदर भाई थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन फिर हमने दोबारा ट्राई की, और इस बार हम विदर भाई को नेदर रूफ के पास ले गए और फिर से मर गए। लेकिन हमने अभी तक हार नहीं मानी थी, तो हम फिर से पोर्टल में गए और मछली बन गए। और इसी के साथ हमारी विदर को मारने की सारी उम्मीद खत्म हो गई, और इस प्राणी के साथ हम घर भी नहीं बना सकते थे। तो हमने पूरे दिन सिर्फ एफके किया, और इसके साथ प्रार्थना की कि अगले दिन हम कुछ अच्छा मॉब बने। लकीली अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए वोकर में, तो हम फिर से गए नेदर में। सबसे पहले मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, और फिर मैंने विदर को मारना शुरू किया, लेकिन उल्टा उसने मुझे ही मार दिया। और जब मैं दोबारा नेदर में गया, तो विदर भैया ने मेरा आधे से ज्यादा सामान उड़ा दिया था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम उसे मार पाएंगे। तो हम घर वापस आ गए, और फिर नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक कैट में, तो अब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, और हमने चुपचाप घर पर काम किया। अगले काफी दिन हम सिर्फ घर पर काम करते रहे। और घर बनाते टाइम हम एक और बार विदर बने, तो हम जल्दी से नेदर में गए और विदर भाई को ढूंढने लगे। लेकिन विदर भाई एक बार फिर से बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं जा चुके थे, तो हमने काफी देर तक उन्हें सर्च किया,
और फिर फाइनली विदर भाई हमें लावा लेक के अंदर समाधि लेते हुए दिखे। शायद विदर भाई काफी बोर हो चुके थे, लेकिन फिर फाइनली विदर भाई बाहर आ ही गए और हम उन्हें एक बार फिर से नेदर रूफ के पास ले गए। और इस बार हमने उनकी हेल्थ आधे से भी कम कर दी थी, लेकिन फिर स्पार्क मर गया और फिर विदर भाई ने मुझे। और जब मैं फिर से नेदर में आने लगा तो अब मैं पोर्टल के अंदर फंस गया और तड़प तड़प कर ही मर गया। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया और उसने मुझे फिर से मार दिया। लेकिन मैंने एक और बार ट्राई किया और इस बार उसे मारते हुए हम ट्रांसफॉर्म हो गए बकरी में। पहले तो मुझ पर पिगलिन भैया ने अटैक किया, लेकिन जैसे तैसे मैं बच गया। लेकिन बकरी के पास बिल्कुल भी एचपी नहीं थी, विदर का सिर्फ एक हिट खाने के बाद हम मर गए। उसके बाद भी मैंने फिर से ट्राई किया क्योंकि हमारा पूरा सामान ऊपर ही रह गया था। लेकिन फिर पिगलिन भैया ने मुझे वन शॉट कर दिया क्योंकि उस घटिया शिप के पास हेल्थ ही नहीं थी। और इसके बाद घर का काम कंटिन्यू किया, एटलीस्ट अब हम मरेंगे नहीं। क्रीपर भाई ने मेरा बेड भी उड़ा दिया तो मैं स्पॉन हुआ वापस से स्पॉन पॉइंट पर। नेक्स्ट टाइम रेवेजर बने और इसके पास कुछ ज्यादा ही पावर थी क्योंकि ये हर एक मॉब को वन हिट से किल कर रहा था। और फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसकी पावर का यूज करके विदर को भी पेल दे। और रेविजर के पास बहुत ज्यादा हेल्थ भी थी, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही। तो अब हमने प्लान बनाया विदर को रेविजर के साथ मारने का। और पूरी हेल्थ करने के बाद मैं गया विदर को मारने। थोड़ी सीट मारने के बाद ही विदर की हेल्थ काफी कम हो गई, लेकिन गलती से मेरा पूरा आर्मर पिक हो गया जिसकी वजह से मैं उसे खाली हाथ से नहीं मार पाया। बट अब हमें पता चल चुका था कि हम उसे इजिली मार सकते हैं, तो मैंने फ्लेम के आने का वेट किया। तो मैं रात के टाइम घर पहुंचा, सबसे पहले हमने हेल्थ बार फुल की और फिर हम गए विदर को मारने। और ये वाला तरीका सच्ची में काम कर रहा था, विदर की हेल्थ बहुत ही तेजी से कम हो रही थी। लेकिन इसी बीच स्पार्क भाई एक और बार शहीद हो गए, लेकिन इस बार मैंने उस विदर को मार ही दिया। फाइनली हमने अपना गोल कंप्लीट कर दिया और फिर हम ट्रांसफॉर्म हुए एक एक्सोलोटल में। अच्छा हमने विदर को पहले ही मार दिया। और फिर हमने शांति से घर का काम कंटिन्यू किया, लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई और मैं फिर से बच नहीं पाया। लेकिन एक काफी अच्छी चीज हुई, मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट करना भी भूल गया था, तो मैं फिर से स्पॉन पॉइंट पर स्पॉन हुआ। नेक्स्ट डे फिर से जंगली सूअर बने और मेरा पूरा दिन सिर्फ घर को आते हुए लग गया। और नेक्स्ट डे मैं सुबह उठते ही मारा गया क्योंकि उस दिन हम जॉम्बी बने थे और मेरे सर पर हेलमेट नहीं था, तो अफसोस मुझे स्पार्क से हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन घर बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम बहुत ही बेकार मॉब में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और उनके साथ बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट काफी टाइम लगाने के बाद हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो हमने घर के अंदर पूरा सामान रखा। लेकिन फिर हमने उस घर की पिछली साइड देखी जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो हमने काफी टाइम लगाकर उसे फिक्स किया। और फिर नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक विच में। उसके बाद हम गए विलेज में और अब हमें चाहिए था एक वुडलैंड मेंशन का मैप, तो मैं गया डेजर्ट वाली विलेज में जहाँ पर मुझे एक कार्टोग्राफर मिला। लेकिन उसे अपग्रेड करने के लिए हमें चाहिए था बहुत ज्यादा पेपर। नेक्स्ट डे हम फिर से गार्डियन बने और फिर हमने कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग की, लेकिन उसे अपग्रेड करने के लिए हमें काफी सारा पेपर चाहिए था, तो मैंने पूरा दिन सिर्फ गन्ने इकट्ठा किए। अगले दिन हम ट्रांसफॉर्म हुए चमगादड़ में, तो हमने काफी सारे गन्ने इकट्ठा किए। और तभी मुझे एक डेजर्ट टेम्पल दिखा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा अच्छा सामान नहीं था। उसके साथ ही एक विलेज थी जहाँ पर फार्मर वीट के बदले एमरल्ड बेच रहा था, तो मैंने उनकी हेबेल चुराई और उनका माल उन्हीं को बेच दिया। This is business. उसके बाद मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कचरा ही था। वापस विलेज में आकर हमने कार्टोग्राफर से थोड़ी बहुत ट्रेड की और उसके बाद हमारे वर्ल्ड में बहुत ही सुंदर सनसेट हुआ। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक हरी मकड़ी में और उसके बाद हमने कार्टोग्राफर से ट्रेड की, लेकिन उसे लेवल अप करने के लिए हमें और ज्यादा सामान चाहिए था, तो हमने पूरे दिन सैंड इकट्ठा किया और पेड़ काटे और रात के टाइम सैंड को स्मेल्ट किया। और फिर फाइनली हमें वुडलैंड मेंशन का मैप मिली गया, तो अब टाइम था वुडलैंड मेंशन ढूंढने का। या फिर नहीं, उस मछली के साथ वुडलैंड मेंशन तो क्या, घर तक जाना भी इम्पॉसिबल था, तो हमने पूरा दिन सिर्फ दिन खत्म होने का वेट किया। और नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुए एक खरगोश में। वैसे तो ये भी काफी बेकार मॉब था, लेकिन मछली से तो अच्छा ही था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ट्रेड की और फिर एक बार फिर से नरेटर भाई मुझे फालतू का ज्ञान देने लगे। Narrator, narrates all. उसके बाद मैंने फ्लेचर से थोड़ा बहुत सामान खरीदा और मेंशन में जाने के लिए सारे जरूरी सामान इकट्ठा किया। नेक्स्ट डे हम ट्रांसफॉर्म हुए एक एंडरमैन में, तो फाइनली हम गए मेंशन की तलाश पर। मेंशन हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा दूर था, तो उसे ढूंढते हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और इसी बीच हम बहुत सारे मॉब में भी ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन वो सारे घटिया मॉब थे क्योंकि इनमें से कोई भी उड़ने वाला नहीं था। लेकिन काफी ज्यादा सफर करने के बाद मैं वुडलैंड मेंशन तक पहुंच गया, तो मैंने काफी देर तक फ्लेम के आने का इंतजार किया। नेक्स्ट डे हम फिर से ट्रांसफॉर्म हुए ग्राउंड में, उसके थोड़ी देर बाद ही फ्लेम वहां तक पहुंच गया।
लेकिन फिर हम फाइनली वुडलैंड मैंशन के अंदर गए और उस दिन हम ड्रॉन बने थे, तो लकीली किसी भी मॉब ने हम पर हमला नहीं किया। हमने पूरा दिन सिर्फ मेंशन एक्सप्लोर किया, लेकिन लूट के नाम पर हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्योंकि आज दिवाली है, तो हमने वुडलैंड मेंशन वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने का सोचा और पूरे मेंशन में आग लगा दी। डे 100 पर हम ट्रांसफॉर्म हुए एक लामा में और इसके साथ ही हमारी मेंशन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन हम इस बात का कोई भी दुख नहीं था क्योंकि वो था बहुत ही घटिया मेंशन। बट इसी के साथ ही हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो गए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम सभी को पता है कि डेटिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट इट्स वर्थ इट। तो हमें कमेंट करके बताना कि व्हाई डेटिंग इज वर्थ इट एंड गो डाउनलोड द हैपन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।